बड़ी बहस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। पार्टी वर्कर काले झंडे दिखा रहे हैं, उम्मीदवार टिकट लौटा रहे हैं और पार्टी की बुनियाद रखने वाले पार्टी नेतृत्व पर ही सवाल उठा रहे हैं। ये सब हो रहा है उस पार्टी में जिसके नेता सुबह से शाम तक अपने विरोधियों को बेईमान बताते फिरते हैं। स्वयं भू ईमानदार और लोकतांत्रिक नेता अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सत्ता छोड़कर देश की कुर्सी की ओर भागे हैं, लेकिन अब उनके पैरों तले जमीन खिसकती जा रही है। केजरीवाल पर एक आरोप शिकंजा बनकर कसता जा रहा है कि उन्होंने आम आदमी पार्टी को अपने चहेतों की बंद कोठरी में कैद कर दिया है। अरविंद केजरीवाल इसे विरोधियों की साजिश बता सकते हैं, लेकिन पिछले दो महीने के ओपिनियन पोल यही दिखा रहे हैं कि हर बीतते दिन के साथ केजरीवाल का ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है। अब यह बड़ी बहस का मुद्दा है कि क्या आम आदमी पार्टी के बीच केजरीवाल की पार्टी ने अपनी साख गंवा दी है। सत्ता छोड़ देश की कमान हाथ में थामने के अरमान अब हवा होते नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के समर्थकों की सेना ही अब अरविंद केजरीवाल का गुरूर चूर करने के लिए हुंकार भर रही है। केजरीवाल की पार्टी ऐसी घटनाओं को विरोधियों की साजिश बताने में जुटी है, लेकिन सड़क पर काले झंडे दिखाने वालों का सच अब एक के बाद एक ओपिनियन पोल में भी सामने आ रहा है। पिछले एक महीने में जितने भी ओपिनियन पोल हुए हैं वो यही बता रहे हैं कि केजरीवाल और उनकी पार्टी का ग्राफ जितनी तेजी से ऊपर चढ़ा था उतनी ही तेजी से नीचे लुढ़क रहा है। सबसे ताजा सर्वे इंडिया टुडे ग्रुप का है, जिसका अंदाजा है कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली की 7 में से अधिकतम 2 सीटें ही मिल सकती हैं, कांग्रेस को 0 से 1 और बीजेपी को सबसे ज्यादा 5 से 7 सीटें तक मिल सकती हैं। जबकि इससे पहले एबीपी न्यूज नेल्सन के सर्वे में दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी को 3-3 सीटें मिलने की संभावना जताई गई थी। निजी तौर पर केजरीवाल की लोकप्रियता भी गिरी है। इंडिया टुडे ग्रुप के सर्वे के मुताबिक प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी 44% लोगों की पसंद है। केजरीवाल को 24% लोगों ने अपनी पसंद बताया है और 19% लोग राहुल गांधी को पीएम देखना चाहते हैं। सर्वे का नतीजा ये भी बता रहा है कि दिल्ली में अगर अभी विधानसभा चुनाव हुए तो केजरीवाल की बजाय लोग बीजेपी के हर्षवर्धन को मुख्यमंत्री बनाना पसंद करेंगे। हर्षवर्धन को 29% लोगों ने पसंद किया है, जबकि अरविंद केजरीवाल को 19% और शीला दीक्षित को 11% लोग सीएम बनाना चाहते हैं। केजरीवाल सर्वे करवाकर अपनी वाहवाही कर रहे हैं और इस बार उनका हथियार उन्हीं के पुराने दोस्त और नए नए विरोधी भी आजमा रहे हैं। अन्ना के पूर्व ब्लॉगर राजू पारुलेकर ने एक सर्वे किया है और उनका दावा है कि 83% लोग चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में बदलाव होना चाहिए। पारुलेकर का दावा है कि 82% लोगों ने माना कि आम आदमी पार्टी में फंड का दुरुपयोग हुआ है। अब इसी सवाल के साथ आम आदमी पार्टी के बागी और राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य अश्विनी उपाध्याय जंतर मंतर पर राय शुमारी कराने का ऐलान कर चुके हैं। इस सर्वे के बाद हमने जनरल बॉडी मीटिंग कॉल किया है संडे को जंतर मंतर पे 2 बजे। बाकी जो फाइनल डिसीजन होगा वहाँ पे डेमोक्रेटिक तरीके से सबके सामने वोटिंग करा के वहाँ पे सिलेक्शन होगा। आम आदमी पार्टी से बगावत करने वाले नेता हो या फिर टिकट लौटाने वाले आधा दर्जन उम्मीदवार, सबका एक ही आरोप है कि पूरी पार्टी को केजरीवाल ने अपनी कोठरी में कैद कर लिया है। केजरीवाल सिर्फ चुनिंदा लोगों की बात सुनते हैं और मनमानी करते हैं। किसी के पास इतना टाइम नहीं था कि जो मुझसे बात कर सकता कि क्या तैयारी चल रही है, कैसे चल रही है, धमकी मिल रही है, क्या मुझे आना है, कब जरूरत है। एक मैं फोन मिलाऊं फोन नहीं उठता है। वो सब इतने वीवीआईपी आम नहीं आदमी हो गए कि उनके पास इतना समय नहीं है कि आप एक हैंडीकैप प्रत्याशी से बात तक कर सके। आम आदमी पार्टी इंसानियत की बात करती है, आम आदमी पार्टी पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी की बात करती है, मगर ये तीनों चीजें सिर्फ शब्द हैं, अंदर से कुछ नहीं है, ये हमने पाया, इसलिए इतनी निराशा है। अब ये सवाल बड़ा हो गया है कि आखिर आम आदमी पार्टी से आम आदमी का इतनी तेजी से मोहभंग क्यों हो रहा है, क्यों तेजी से गिर रहा है केजरीवाल और उनकी पार्टी का ग्राफ, और क्यों आम आदमी पार्टी छोड़ने वाला हर नेता एक ही आरोप लगाता है कि केजरीवाल तानाशाह हैं। तमाम फैसले 4-5 लोग बंद कमरे में करते हैं, अरविंद भाई उन्हें आदेश की तरह एक फरमान सुनाते हैं और बाकी 4 लोगों की इस पे सहमति
अनिवार्य है, ऐसा सिस्टम है इस पार्टी का। केजरीवाल की कथनी और करनी में फर्क का सबूत आम आदमी पार्टी की वेबसाइट पर भी साफ दिख रहा है। खुद को लोकतांत्रिक और पारदर्शी बताने वाले केजरीवाल की पार्टी का संविधान कहता है कि नेशनल एग्जीक्यूटिव में अधिकतम 30 सदस्य हो सकते हैं, जिसमें कम से कम 7 महिलाओं का होना जरूरी है। जबकि वेबसाइट पर नेशनल एग्जीक्यूटिव के जिन 24 सदस्यों का ब्यौरा है, उनमें सिर्फ 2 महिलाएं हैं, क्रिस्टीना सैमी और शाजिया इल्मी। सवाल ये भी है कि केजरीवाल अपनी पार्टी के संविधान के हिसाब से काम नहीं कर रहे तो फिर उनसे क्या उम्मीद की जाए, कैसे भरोसा किया जाए कि वो अपनी पार्टी के घोषणा पत्र के हिसाब से काम करेंगे। दिल्ली से नेहा केसरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चले साहब, अब बड़ी बहस हम शुरू करते हैं सैम सवाल पर कि क्या केजरीवाल और उनकी पार्टी की लोकप्रियता का ग्राफ आम जनता के बीच गिर रहा है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक भरपूर पैनल है। हमारे साथ रागिनी नायक, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन जुड़ेंगी, हमारे साथ प्रभात झा हैं बीजेपी के लीडर, हमारे साथ राजीव रंजन जी जेडीयू के स्पोक्स पर्सन जुड़ेंगे, इसके अलावा क्लाइव ट्रस्टो हमारे साथ एनसीपी के स्पोक्स पर्सन, हमारे साथ यहां स्टूडियो में आम आदमी पार्टी के नेता मदन मिश्रा मौजूद हैं, और आम आदमी पार्टी से ही बागी हमारे साथ अश्विनी उपाध्याय साहब हैं। अश्विनी उपाध्याय जिन्हें आम आदमी पार्टी के ही कुछ लोगों ने पहचानने से इनकार कर दिया था, बड़े अहम सवाल अश्विनी उपाध्याय साहब ने उठाए थे एक दफे में। सबसे पहले मदन मिश्रा, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये एक बड़ी रिपोर्ट हमने चलाई, इससे इत्तफाक रखते हैं आप? बिल्कुल नहीं, आप जो दिखा रहे हैं ये चीज बिल्कुल आपका अपना सर्वे हो सकता है या किसी टीम का सर्वे हो सकता है। आम आदमी पार्टी आजादी के परवानों की संख्या आगे बढ़ाती जा रही है, यहाँ क्रांतिकारी जो लोग आपकी पार्टी में टिकट लौटाते भी जा रहे हैं, ये स्वाभाविक है। आज एक राजनीतिक पार्टी हम बन चुके हैं, हमारी संख्या बहुत बड़ी है। जब परिवार बड़ा होता है तो उसमें ऐसी चीजें चलती रहती हैं। अच्छा, हर किसी को खुश करना किसी भी पार्टी के लिए पॉसिबल नहीं है। हमारी पार्टी फिर भी उस हद पे काफी कामयाब रही है। नहीं, आपकी पार्टी कामयाब रही है, लेकिन अश्विनी उपाध्याय आप भी पार्टी में रहे हैं, क्या वाकई में एक राजनीतिक पार्टी बन चुकी है आम आदमी पार्टी? और जिस तरीके से मदन कह रहे हैं कि ऐसा स्वाभाविक है कि कुछ लोग नाराज भी हों पार्टी में, क्या जो घटनाक्रम सामने आते हैं नाराज लोगों के, असंतुष्ट लोगों के, टिकट लौटाने वाले लोगों के, ये कहने वाले लोगों के कि केजरीवाल ने केवल एक कोठरी में कैद कर दिया आम आदमी पार्टी को, क्या ये वाकई में बहुत स्वाभाविक है? एक्चुअली मदन अभी बहुत मेहनती लड़का है, और अभी चूंकि बाहर से है, अंदर नहीं आ पाया। मेरे समझ से शायद अरविंद से डायरेक्ट कभी फेस टू फेस की बात भी नहीं हुई होगी। मैं तो 2006 में जब एनजीओ हमने शुरू किया था, एक पीसीआरएफ नाम का एनजीओ शुरू किया था, तब से मैं काम करता रहा हूं अरविंद के साथ, तो मैं जानता हूं वहां पे कैसे कैसे काम होता है। बाहर से बड़ा अच्छा लगता है, बाहर से इसे मदन को अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है। बाहर तो ऐसे कहने की नहीं बात, और बातें बड़ी अच्छी अच्छी होती हैं, देश परिवर्तन कर देंगे, व्यवस्था परिवर्तन कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, सत्ता परिवर्तन नहीं करेंगे बाकी सब परिवर्तन कर देंगे। एक्चुअल में हो क्या रहा है, सत्ता ही परिवर्तन करेंगे, व्यवस्था परिवर्तन गया तेल लेने, ये हालत हो गई है। अश्विनी जी, एक बार बीच में टोकना नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत गंदी बात होती है, बीच में नहीं टोकना चाहिए जी। अश्विनी, आप बात पूरी कर। हाँ, 5 बुराइयां थी भारतीय राजनीति में, जो अमूमन कांग्रेस में भी थी, बीजेपी में भी थी, सपा बसपा सब में थी। जातिवाद, सांप्रदायिकता, भ्रष्टाचार, अपराध और परिवारवाद। इन 5 को कोर एजेंडा बना के हम सब जुड़े थे, अशोक अग्रवाल, मधु भादुड़ी, वाटरमैन राजेंद्र सिंह, पीवी राजा गोपाल, अन्ना हजारे, श्री श्री रविशंकर, बाबा रामदेव, सब एक साथ आए थे इसी 5 बुराइयों को लेकर। बाद में चलिए, कुछ लोग अलग पहले चले गए, कुछ लोग बाद में गए। अब जहां तक जातिवाद की बात, मैं एक एक सबका एग्जाम्पल दे देता हूं। आशुतोष जो जिंदगी भर आशुतोष थे, वो अब आशुतोष गुप्ता हो गए। अब वो चांदनी चौक में आशुतोष गुप्ता के नाम से वोट मांगते हैं, और जरा हमारे योगेंद्र भाई को देखिए, उनसे 2 कदम और आगे गुड़गांव के अहिरवाल वाले एरिया में जाते हैं तो वो यादव के नाम पर वोट मांगते हैं, और जब मेवात वाले एरिया में जाते हैं तो अपना कपड़ा चेंज कर लेते हैं, सफेद रंग का कुर्ता पजामा पहनते हैं, गर्दन पे साफा रखते हैं और कहते हैं जी मेरा तो घर वाला नाम सलीम है, ऑफिशियल नेम हमारा योगेंद्र यादव है, घर वाला सलीम है, सलीम के नाम से वोट मांगते हैं। ठीक है, आप भ्रष्टाचार की बात करें, 300 करोड़ खाने वाला किसानों को मुआवजा खा गया सहारनपुर का योगेश दहिया, अभी तक उसका टिकट वापस नहीं हुआ। वाड्रा को जिसने क्लीन चिट दिया, युद्धवीर ख्यालिया, अशोक खेमका ने लैंड डील कैंसिल किया, वाड्रा आके उसको दोबारा रिस्टोर कर देता है, वो वाड्रा इस समय टिकट लेकर वहां चुनाव लड़ रहा है। बुलंदशहर का साबिर राही, कम से कम 30 उसके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं। नरेंद्र मोहंती कंधमाल से, उसके ऊपर 35-40 मुकदमे चल रहे हैं, क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। अब परिवारवाद देखिए जरा कितना बढ़िया है। फोर्ड फाउंडेशन की मुखिया कविता रामदास है, सबको पता है हमारे संविधान में लिखा हुआ है एक परिवार से एक ही आदमी किसी कमेटी में रहेगा या चुनाव लड़ेगा। कविता रामदास के पिताजी एल रामदास,
कविता रामदास की माता जी ललिता रामदास, कविता रामदास की बहन सगरी रामदास, ये तीनों हमारे अलग अलग कमिटीज में, मेरे पास ये लिस्ट है। ठीक है, तो मतलब पांचों बुराइयां जो बाकी परिवार में थे, पार्टियों में थी, वो हमारी आ गई, इसलिए हमारा ग्राफ गिर रहा है। अदरवाइज हम छह सीटें जीतते, कम से कम सात में से छह सीटें हम जीतने वाले। मदन मिश्रा, कुछ कहना चाहेंगे आप? सर की बात जो बता रहे हैं सर, मैं कागज है इनके पास, ये कागज लेकर आए, ये आधार है इनकी बातों का, कागज लेके आए हैं, ये पूरा डाटा तैयार कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने पार्टी छोड़ दी है, पार्टी में अब ये नहीं है, इनके पास सारा डाटा है। क्या इनका डाटा गलत है? क्या इनका डाटा गलत है? इनके डाटा में कोई सच्चाई नहीं है। अरे वाह, आम आदमी पार्टी का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। अच्छा अच्छा, आप बड़े यंग हैं, आप बड़े युवा हैं, आप स्वराज लाने की बात करते हैं, ये बात अलग है कि नहीं, आठ सदस्यीय लोकसभा की सर्च कमेटी का पता है मुझे। नहीं, आप युवा हैं, आपका आम आदमी पार्टी ने स्वागत किया है, ये बात अलग है कि स्वराज आप लाएंगे और डेनिम की शर्ट आप पहनते हैं, मैं व्यक्तिगत टिप्पणी पे नहीं जाता बिल्कुल, लेकिन मैं एक चीज आपसे जरूर पूछना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी पर जिस तरीके के आरोप आम आदमी पार्टी के अंदर वाले लोग ही लगा रहे हैं, उसके लिए सवाल आपसे पूछना जरूरी है। मिस्टर इंडिया फिल्म देखी आप? बिल्कुल बिल्कुल देखिए सर, उसमें अमरीश पुरी मोगैम्बो के रोल में होते हैं। हाँ जी। और जो हाथ उठा करके हे मोगैम्बो बोलता है उसी को रिवार्ड मिलता है, और जो नहीं बोलता उसे तेजाब के तालाब में वो फेंक दिया जाता था, मोगैम्बो उसे तेजाब के तालाब में फेंक दिया जाता था। हाँ जी। जो लोग आम आदमी पार्टी से असंतुष्ट हैं, जो हे केजरीवाल नहीं बोलते, उनके साथ ऐसा सुलूक, मोगैम्बो जैसा सुलूक क्यों करते हैं केजरीवाल? नहीं नहीं, ये बिल्कुल गलत आरोप है आपके। अन्ना हजारे टिकट मांगे थे क्या? अन्ना हजारे से क्यों नहीं बात करते? अन्ना जी कभी पॉलिटिक्स मानने को तैयार ही नहीं थे, अन्ना जी ने पॉलिटिक्स से दूर रहना पसंद किया है। अन्ना हजारे तो ये भी नहीं चाहते थे कि अरविंद केजरीवाल पॉलिटिक्स में आए या वो पार्टी बना। अगर सर आपको याद हो तो अन्ना हजारे ने सबसे पहले अपने मंच पे ये घोषणा की थी कि अब राजनीति की लड़ाई भी लड़ी जाएगी, अगर आप सबको याद हो तो। उसके अगले दिन बाद जब अरविंद केजरीवाल ने यह घोषणा कर दी थी कि अब आम आदमी पार्टी बनेगी, सर एक मिनट अरविंद सर ने घोषणा की थी कि अब हम राजनीति में आएंगे, हम पार्टी बनाएंगे, सब कुछ घोषणा किया था। अन्ना जी ने उसके बाद उस मुहिम का उन्हें मना किया कि अब हम पार्टी में नहीं आएंगे, लेकिन वो पहले उन्होंने खुद हामी भरी थी। ठीक है, क्लाइड क्रिस्टो कुछ कहना चाह रहे हैं इस वक्त? अनुराग जी, जी ये मैं अभी बातें आपकी सब सुन रहा हूँ, उपाध्याय जी ने जो बताई बातें, अब ये तो बात ऐसी हो गई ना कि जब उपाध्याय जी उनके साथ थे तो सब बातें सही थी, और अब जो सच्चाई बयान कर रहे हैं तो वो बात डेटा लाकर ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। जहां तक मेरा कहना है, आम आदमी पार्टी जो है ना, ये दो मुंह बातें करती है। जैसे उन्होंने बताया कि ये मोहल्ले में जाए तो उनकी तरफ से बात करेंगे, अपने कपड़े बदले करके बात करेंगे, ये सब ऑफ बीट पब्लिसिटी लेने के लिए आम आदमी पार्टी का तरीका है, लोगों से गुमराह करने की बात। लेकिन क्लाइड, अब पब्लिसिटी भी कहां मिल रही है? और कुछ काम उनका है नहीं, ये नहीं, अभी तो नहीं मिल रही ना, मीडिया ने उनको पब्लिसिटी दी, मीडिया ने उनको आगर तूल दिया, अब उनको भी पता चला है कि भाई ये सब ढकोसला है, इनके कोई बातों में आना जरूरी नहीं है, लोगों को उल्लू बना रहे, देश को उल्लू बना रहे, ये गवर्नेंस की बात करते हैं, स्वराज की बात कर रहे, ये वही लोग हैं जो खुद कहते हैं कि आई एम एन एनार्किस्ट, दिल्ली की जनता जिन्होंने इन पे विश्वास किया उनके साथ इन्होंने धोखा किया है। और जैसे आप उपाध्याय जी ने बताया कि एक कुछ गिन चुने लोग अंदर बैठकर बात करते हैं, शायद मदन जी को तो पता भी नहीं होगा कि वहां क्या बातें होती है, तो मैं तो उनसे सहानुभूति रखता हूं कि बेचारे वहां आए हैं उनसे लिए बात करने के लिए, जब नैया डूब रही है तो उनको बोलो तुम तैर कर किनारे पर आ जाओ, हम तुम्हें बचाने नहीं आएंगे। जी ठीक है, रागिनी नायक भी हमारे साथ है, लेकिन उससे पहले प्रभात झा साहब से मैं पूछना चाहूंगा कि केजरीवाल की और आम आदमी पार्टी की प्रभात जी घटती लोकप्रियता ने वो कहावत एक बार फिर चरितार्थ कर दी है कि झाड़ू कितनी भी अच्छी हो दो तीन महीने से ज्यादा नहीं चलती। भारत की जनता बहुत समझदार है, गत 66 वर्षों में जनता परिपक्व हुई है, उसको आप थोड़े समय के लिए बरगला सकते हो, लंबे समय तक आप बरगला नहीं सकते, झूठ के पैर नहीं होते हैं, और झूठ के पैर नहीं होने के कारण केजरीवाल जी की पोल खुल गई है। लंबे समय तक आप बरगला नहीं सकते, झूठ के पैर नहीं होते हैं, और झूठ के पैर नहीं होने के कारण केजरीवाल जी की पोल खुल गई है। जनता समझ गई है कि इस पार्टी का जन्म क्यों हुआ, और इस पार्टी का जन्म जनता के लिए नहीं हुआ, जनतंत्र के लिए नहीं हुआ है जी। इस पार्टी का जन्म स्वयं के लिए हुआ,
जी ठीक है, मुझे लगता है प्रभात जी को, मुझे लगता है प्रभात जी को अपनी ही आवाज, अपनी ही आवाज वापस मिल रही है, इसलिए उन्हें बोलने में दिक्कत हो रही है। प्रभात जी दिक्कत में दूर कराता हूं। रागिनी नायक आप कुछ कहना चाह रही इस विषय पर? जी जी देखिए अनुराग जी, आपने एक कहावत सामने रखी, मुझे लगता है एक और बहुत ही दिलचस्प कहावत है जो आज बोलना बहुत जरूरी है। ये कहा जाता है कि नया 9 दिन पुराना 100 दिन, और इस कहावत को भी भारत की राजनीति में आप जल्द ही चरितार्थ होते हुए, यथार्थ में परिवर्तित होते हुए देखेंगे। अब देखिए ये बहुत गौरतलब बात है कि आम आदमी पार्टी का उदय हुआ एक बड़ा परिदृश्य दिखाकर, और उस परिदृश्य में अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि हर मर्ज की एक दवा है आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल, सांप के काटे का एक ही मंत्र है। उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से अराजकता की पराकाष्ठा दिखाई दी है, हमने शहादत का नाटक भी देखा, हमने देखा कि बिजली के नाम पे, पानी के नाम पे, यहां तक कि जन लोकपाल के नाम पर जनता को बेवकूफ बनाया गया। महिलाओं की सुरक्षा किस तरह से होगी खिड़की एक्सटेंशन में हमने देख लिया, झूठे दावे किस तरह के हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल केस में हमने देख लिया। तो अंततः मुझे ये लगता है कि दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी की निष्क्रियता और विफलता है उसकी काली छाया आगे की राजनीति पर जरूर मंडराएगी। एक और बड़ा चिंताजनक विषय है जो मैं आपके माध्यम से आगे रखना चाहती हूं, वो ये है कि दिल्ली में केवल 49 दिन सरकार चलाई, कोई नहीं किया। अब बनारस कहते हैं पहले भाषण में उन्होंने कहा कि हमें वोट दीजिए और अगले साल होगा। रागिनी आपके आपकी बात हम तक ठीक ढंग से नहीं पहुंच पा रही है। जी जी अश्विनी, जो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा था भ्रष्टाचार, अब वो भ्रष्टाचार का मुद्दा ही नहीं रह गया। अरविंद कहते हैं जी अब सांप्रदायिकता का मुद्दा हो गया, और जरा भ्रष्टाचार के मामले में एक बार दर्शकों को आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, जब तक भारतीय संविधान में परिवर्तन नहीं होगा तब तक जन लोकपाल नाम की चीज बनी नहीं सकती है। जन लोकायुक्ता बन सकता है और लोकपाल बन सकता है, लोकायुक्ता लोकपाल। अगर आप ईमानदार हो, वास्तव में आप भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते हो, तो दिल्ली में ऑलरेडी लोकायुक्ता कानून था, आप उसको अमेंड कर देते, जो आप जो कुछ करना चाहते थे, जितने तीर कमान थे आपके जन लोकपाल में, वो सारा तीर कमान उठा के आप उसमें डाल देते, नाम वही पड़े रहने देते। ये तो वही हो गया कि बीजेपी राम मंदिर को भुना रही है, कांग्रेस वाले मनरेगा को भुनाते हैं, अब अरविंद केजरीवाल जन लोकपाल को भुना रहे हैं, जन लोकपाल जन लोकपाल जन। अरे भाई अगर आपकी नीयत साफ है तो जो लोकायुक्ता कानून है उसका नाम वही रहने दो ना, जन लोकपाल झुंझुना क्यों बजा रहे हो आप? खत्म करो उसको, अमेंड करो उसको, मजबूत कर दो। तो नीयत में प्रॉब्लम है, नीति की प्रॉब्लम नहीं है, नीति तो बाद में ठीक है, नीयत खराब हो चुकी है, नीयत खराब हो चुकी है। मदन मिश्रा आपसे बहुत तीखे सवाल पूछते पे भी मुझे डर लग रहा है, क्योंकि मेरे पास SMS आ रहे हैं कि अभी आपकी उम्र ही क्या है और आप कितना जवाब दे पाएंगे, कितने रिसर्च आपका आम आदमी पार्टी पे हुआ होगा। अश्विनी उपाध्याय ने सवाल उठा दिए कि भाई आप तो अभी तक अरविंद केजरीवाल तक से रूबरू नहीं मिल पाए होंगे, लेकिन फिर भी क्या नीयत और नीति पर आप कुछ टिप्पणी कर सकते हैं कि वाकई में जिन नीतियों की बात करते थे उनकी नीयत में ही खोट था? देखिए सर, मैं एक चीज आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूं, हमारी नीति हमारी नीयत बिल्कुल साफ है, भ्रष्टाचार हाँ, साफ हो गई है सर। एक मिनट, इसीलिए अश्विनी जी को एक कमेंट देना चाहता हूं, मुझे कोई जरूरत नहीं है कि मैं अरविंद केजरीवाल से मिलूं या किसी सीनियर लीडर से मिलूं, हमारे लिए सबसे जरूरी था भ्रष्टाचार, कांग्रेस और बीजेपी के भ्रष्टाचार की खेती को खत्म करने के लिए हमारी पार्टी ने जन्म लिया है, खत्म कर रहे हैं। हमारी पार्टी में भी कुछ भ्रष्ट लोग आए, दिल्ली में तो आपने कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार। सर एक मिनट, मैं बता रहा हूं, जवाब दे रहा हूं मैं आपको, हमारी पार्टी में कुछ भ्रष्ट लोग भी आए, क्योंकि पार्टी की संख्या जब बढ़ती है, परिवार की संख्या में बढ़ती है, कौन लाया? और वो निकल रहे हैं। कौन लाया? वही तो कह रहे हैं कि आपकी सर, वो अपने आप वो रुक ही नहीं सकते, जहां सच्चाई रहती है वहां पे। तो फिर आपकी पार्टी क्यों बनी जब भ्रष्ट लोग रुक ही नहीं सकते धीरे धीरे? अरे आप क्या बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं भ्रष्टाचारियों को रोका नहीं जा सकता, फिर आपकी पार्टी पैदा ही क्यों हुई, फिर आपकी पार्टी क्यों बनी? अरविंद केजरीवाल तो दावा कर रहे हैं भ्रष्टाचारियों को राजनीति से दूर करना, आप ही की पार्टी में आ गए भ्रष्टाचारी। सर हमारा काम है भ्रष्टाचारियों को पार्टियों से दूर करना, चाहे वो हमारी आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी पार्टी हो। हम चाहते हैं हर पार्टी से जो भी भ्रष्टाचारी है वो दूर हो, यानी जो केजरीवाल का विरोध करता है वो भ्रष्टाचारी हो जाता है और जो है केजरीवाल करता है वो भ्रष्टाचारी नहीं। ये आपकी गलत बोल रहे हैं। एक बार सुनो, अब इसको फैक्ट नहीं पता है, इसको पता भी नहीं होगा संतोष कोहली कौन थी। मैं एक बताता हूँ, सबसे पुरानी हमारी कार्यकर्ता संतोष कोहली थी, वो हमसे भी पुरानी थी, 2004 से अरविंद के साथ काम करती थी। विधानसभा इलेक्शन से थोड़ा सा पहले उसका एक्सीडेंट हुआ या मर्डर हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन विधानसभा के दौरान अरविंद ने पूरे दिल्ली में घूम घूम के बोला कि ये हमारी सबसे ईमानदार कार्यकर्ता थी, इसका मर्डर कराया है, इसका मर्डर हुआ है, कांग्रेस बीजेपी, आप अपनी बाइट चेक करवाइए पुरानी, उसमें ठीक है। उसके मां बाप भी कह रहे हैं कि हाँ इसका मर्डर हुआ है,
सब लोग कहते हैं, वॉलंटियर्स को भी लगता है कि यार जब एक बाइक पे तीन लोग थे, दो लोगों को खरोच नहीं आई और संतोष मर गई तो कुछ तो गड़बड़ है। अरविंद केजरीवाल जी हर बात बात में एसआईटी मांगते हैं, एक बलात्कार हुआ था रेल भवन पे आके धरना दे दिए थे और हर चीज में आके कर देते हैं। संतोष कोहली के लिए उन्होंने अभी तक एक भी बार न जुडिशियल इंक्वायरी की मांग की, न सीबीआई इंक्वायरी की मांग की। और मांग तो छोड़ दो, जब आप 49 दिन मुख्यमंत्री थे, जिसके बल पे आप ये सहानुभूति वाला आपने वोट लिया कि संतोष कोहली को मारा गया, संतोष कोहली को मारा गया, आपको उसकी याद तक नहीं आई? एक बार आप जुडिशियल इंक्वायरी कमन कर सकते थे, सीबीआई अगर नहीं करा सकते जुडिशियल तो कर सकते थे आप, कभी नहीं किया। उसके माँ बाप कहते हैं जी हमारे कुछ हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, उसकी बहन कहती है। मदन कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर? सर ये सर की गलत फहमी है, और दूसरा ये जानते हैं अच्छी तरीके से किसे कब टोकना है क्या रोकना है, ये कहते हैं कि मुझे कुछ पता नहीं है। मानता हूं मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन आपसे सर बहुत ज्यादा पता है मुझे। आप कह रहे हैं संतोष कोहली के ऊपर हमारी पार्टी ने कोई बात नहीं करी, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है सर, आपकी बहुत बड़ी गलती है। आपको बता के पार्टी बात नहीं करेगी, आपको इन्फॉर्मेशन देंगी पार्टी के, हम आप केस की कार्रवाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, पुलिस इन्फॉर्मेशन उसी चल रही है ना। अरे सर रहन दो, आप उसके घर के बारे में कह रहे हैं, उसके घर का हर सदस्य, उसके घर का हर सदस्य पार्टी के साथ खड़ा है। तुम्हें कुछ नहीं पता सर, आपको कुछ नहीं पता, आप बिल्कुल गलत बता रहे हैं। संतोष कोहली की पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसके घर वालों को नहीं मिली है, संतोष कोहली की पोस्टमार्टम। अच्छा मदन, आपके पास जो तथ्य आप रख रहे उसके आधार क्या है? आप किस आधार पर बोल रहे हैं? हवाई बातें कर रहे हैं, पता नहीं हम किसी तथ्य पे नहीं, हमारी सिर्फ सच्चाई है, हम सच्चाई चढ़ रहे हैं। सच्चाई हवा में नहीं होती ना, सच्चाई हवा में आपने कह दिया और वो सच हो गया। कांग्रेस बीजेपी के नेता घूमते हैं और अश्वनी जैसे भाई जब पार्टी छोड़ के जाते हैं तो घूमते हैं। नहीं नहीं, इनके पास तो कागज है, आपके पास क्या? इनके पास तो कागज है, आपके पास क्या? अपनी बात को साबित आप कैसे करेंगे? मैं कोई कागज लेके नहीं घूमता, मेरे पास तो जो आपने कह दिया वही सत्य है, वही अंतिम सत्य है। बिल्कुल झूठ हम बोलते हैं। ये अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल इसकी क्लासेस देते हैं या फिर अपने भाई का कहना है? देश की जनता से पूछो आप, देश की जनता क्या कह रही है, देश की जनता जवाब देने को, देश की जनता क्या कह रही है, ये कागज मेरे पास है। आप अगर पढ़ेंगे, अगर आप आंकड़ों की जुबानी जानते हैं तो फिर आप समझ जाएंगे कि देश की जनता कह रही है कि बीजेपी को अगर वोट देते वो जनवरी में तो 29% देते, आम आदमी पार्टी को 55% देते, समझ रहे हैं आप अंतर, और कांग्रेस को 9% देते। वही जनता मार्च में कहती है कि बीजेपी को वो 29 के बदले 32% वोट देगी और आम आदमी पार्टी को 55 के बदले 34% वोट देगी। 1000 कार्यकर्ताओं से शुरुआत करी थी हमने, आज हमारा 1 करोड़ से ऊपर संख्या हो चुकी है कार्यकर्ताओं की। सर वो तो आपके यहाँ सलमान खान भी कार्यकर्ता, दाऊद इब्राहिम भी आपका मेंबर है, वो तो फेक अकाउंट बहुत सारे, वो तो बहुत सारे, नरेंद्र मोदी राहुल गांधी सब आपके मेंबर है आपकी वेबसाइट पर, तो उस पर मत जाइए, वो तो वो गिनती हमारे कार्यकर्ता है। जवाहरलाल नेहरू भी है, बताइए, वो तो आपके मेंबर साहब। मैं कुछ कहना चाहती हूँ, मुझे मौका दीजिए। ब्रागनी बोलिए। देखिए पहले भी कनेक्शन में यहाँ कुछ प्रॉब्लम है, उसकी वजह से मैं बात पूरी कर नहीं पाई जी। देखिए ये मुझे लगता है कोई नई बात नहीं है, ये जग जाहिर बात है कि आम आदमी पार्टी अमूमन जो बातें कहती है या जो आरोप लगाती है उसके पीछे प्रामाणिकता कुछ नहीं होती है, तथ्य बिल्कुल नहीं होते हैं, इसका इतिहास गवाह है, बहुत दिनों से हमने देखा। लेकिन 2-3 और बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं जो मैं यहाँ रखना चाहती हूँ। सबसे पहली बात जो मैं पहले बोल रही थी कि दिल्ली में 49 दिन की सरकार चलाई, दिल्ली की जनता ने न सिर्फ वोट दिया बल्कि एक बहुत बड़ा मौका दिया जिसमें ये विफल रहे। फिर बनारस जाते हैं, दिल्ली की जनता को छोड़ दिया, लोकसभा में चले गए और कहा वहां जाकर भी कि आप हमें वोट दीजिए तो 1 साल के भीतर फिर चुनाव होगा। यानी कि देश में एक इंस्टेबिलिटी की मशीनरी को इंस्टीट्यूशनलाइज करना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर हर साल चुनाव होता रहा तो देश के एक्सचेकर पे क्या होगा, जनता पर इसका बोझ आएगा कि नहीं, देश में जनमुखी नीतियां बनेंगी कि नहीं, पहली बात। दूसरी बात, अब देश में 2 नेता बड़े दिखाई दे रहे हैं, राहुल गांधी जी के अलावा 2 और नेता दिख रहे हैं, एक अरविंद केजरीवाल जिन पर चर्चा चलती है, एक नरेंद्र मोदी, और आप देखिए ये कितने समानांतर इनकी कार्यशैली है। दोनों नेता ऐसे हैं जो आत्ममुग्धता से ग्रसित हैं, अपने अपने अहंकार के मद में चूर है, और अश्विनी जी ने नहीं, लेकिन दोनों में एक फर्क है रागनी, कि अरविंद केजरीवाल भी मानते हैं कि नमो की लहर चल रही है, ये फर्क तो है। मुझे हाँ मैं उस पर भी आऊंगी, मुझे पूरा कर लेने दीजिए। और दोनों का अपनी पार्टी में एकालाप और एकाधिकार ऐसा है कि उनकी पार्टी में ही बहुत समस्या है। आपने मधु भादुड़ी जी को दिखाया, बिन्नी जी की बात हुई, मुकुल त्रिपाठी तो टिकट वापस कर चुके हैं, वो अमेठी में बड़ा शोर मचाने के लिए कुमार विश्वास गए थे और अब ये कह रहे हैं कि मुझे अकेला छोड़ दिया गया है, कोई देखने वाला ही नहीं है यहाँ पर। तो ये एक बड़ा चिंता का विषय है कि न सिर्फ इन दोनों की पार्टियां परेशान हैं इन दोनों की कार्यशैली से, बल्कि ये देश की राजनीति के लिए भी मुझे लगता है बहुत चिंता का विषय है, और इस पर जनता गौर कर रही है। इसीलिए न सिर्फ आम आदमी पार्टी का, बल्कि आप पाएंगे कि जैसे जैसे चुनाव अलग अलग फेजेस की तरफ बढ़ता है,
आम आदमी पार्टी और मोदी का ग्राफ भी लगातार गिरता हुआ आपको नजर आएगा। मोदी का ग्राफ गिरता हुआ खैर मैं अपने आंकड़ों में नहीं देख पा रहा हूं अभी फिलहाल। अब अप्रैल की जनता क्या कहेगी अप्रैल महीने में, ये अभी तक इसका आंकड़ा नहीं दिया जा सकता क्योंकि अभी महीना शुरू हुआ है प्रभात झा। लेकिन रागिनी नायक ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के बहाने नरेंद्र मोदी और बीजेपी को भी लपेट लिया है, उनको लगता है कि दोनों पार्टियों का चाल चरित्र और चेहरा बिल्कुल समान है, क्या कहेंगे आप? वो चुनाव प्रचार के मूड में है, उनकी तुलना करना ही है। फिर आपकी आवाज बैक होके आ रही है मेरे पास, आवाज क्लियर? जी मैं ठीक करवाता हूं इस दिक्कत को। मैं आप अभी बोलना चाहेंगे अनुराग जी? चले मैं दिक्कत प्रभात जी दूर कराता हूं। क्लाइड बोलिए, क्लाइड बोलिए। अनुराग जी मैं ये बात कहना चाहता हूं, मदन बहुत बड़े शब्द जो इस्तेमाल कर रहा है जैसे कि सच्चाई नीति, मेरे हिसाब से आम आदमी पार्टी की जो डिक्शनरी है उसमें सच्चाई नीति का मतलब या परिभाषा कुछ अभी तो है। अभी तो क्लाइड आम आदमी पार्टी की डिक्शनरी में मदन का ही नाम नहीं है, कोसों दूर है। अभी तो आम आदमी पार्टी की डिक्शनरी में मदन का ही नाम मदन का ही नाम नहीं। आप आपको जो SMS आ रहे हैं या कॉल्स आ रहे हैं वो जो बता रहे हैं लोग कि भाई मदन को कुछ पता नहीं, मैं सहानुभूति है मेरी उनसे बेचारे को भेज दिया है, बोले बात कर लो, हम तो बात नहीं कर सकते क्योंकि हमने लोगों को पता चला है कि भाई हम इन लोगों को उल्लू बना रहे हैं, तो ठीक है छोड़ दीजिए आप जाके बात करिए, अगर ठीक है अगर बात कर पाए तो कोई बात नहीं, ये तो हम देख लेंगे। जो अभी आम आदमी पार्टी यही कि स्टंट है ड्रामा है इनका, सब यही काम चल रहा है, इनको पब्लिसिटी चाहिए, जितने पब्लिसिटी मिलेगा उतना ये जो चंदा जमा करते हैं वेबसाइट पे, उनके खुद के वेबसाइट पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है संविधान है उसके हिसाब से नहीं चल रहे, तो देश के संविधान के हिसाब से कैसे चलेंगे ये लोग? ये खुद ही बोल रहे हैं हम एनार्किस्ट है, जहां बनारस चले गए वहां खड़े हो गए, राहुल गांधी जी के सामने खड़े हो गए, जहां जब लोग जाते हैं कैमरा जाता है पब्लिसिटी जाता है तो क्या इनको फ्री में पब्लिसिटी मिलती है? ये खुद एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, वो शाजा इल्मी जी एक कुछ कहेंगी, आशुतोष एक कहेगा, आशुतोष अब तो सॉरी आशुतोष गुप्ता हो गया, पहले वही आशुतोष है जो काशीराम जी का इंटरव्यू लेने गए थे, वो तो आप सबको पता है। मतलब ये लोगों को सिर्फ उल्लू बनाना है, बड़ी बड़ी बात करना है। ये बोलते हैं ना कि अभी हमारे 1,000 लोगों से 1 करोड़ हो गया, वो 1 करोड़ थोड़े दिन के बाद कितना होगा? 1,000 भी नहीं रहेगा इनका, क्योंकि भारत देश की जनता बहुत समझदार है, उन्हें पता है कौन कब उल्लू बनाता है। मैं आपको एक छोटा सा आपका वक्त लेकर एक उदाहरण देना चाहता हूं, दो उदाहरण देना चाहता हूं मैं आपको, आम आदमी के साथ आम आदमी की बात करूंगा मैं। ये आम आदमी पार्टी कैसे कोई एक मोबाइल फोन जैसा हो गया, जब नया मोबाइल फोन आता है तो उसके आप बहुत पब्लिसिटी करते हैं, अच्छा मैगजीन में एडवर्टाइजमेंट देते, बैटरी 20 घंटे चलेंगी, ये एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन है, लेकिन जब तक आप वो मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करते पता चलता है वो चीन में बना है, चीनी मोबाइल है या नहीं है। हाँ कहीं भी हो, फिर वो 20 घंटे बैटरी बोलकर वो 2 घंटा भी नहीं चलता। आम आदमी पार्टी इस मोबाइल कई बार ऐसे मोबाइल में कई बार धमाका भी हो जाता है। आम आदमी की बात कहना चाहता कई बार ऐसे मोबाइल में धमाका भी। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ रागिनी जी, क्लाइंट पूरी कर ले अपनी बात। एक और मुद्दा प्लीज, नहीं एक और मुद्दा मुझे बोलने बोलिए क्लाइंट बोलिए, फिर रागिनी आपके पास आता हूं जी। ये कैसे लोगों की लोगों की सहानुभूति कैसे जीतते हैं पता है? एक सिंपल बात है अनुराग जी, मैं आपको आपका परमिशन लेकर आपको आपका नाम लेकर एक उदाहरण देता चाहता हूं। आपका कोई बिजनेस है और आप एकदम अच्छे बिजनेसमैन हो, सच्चाई से अपना काम करते हो और आपके पास मैं नौकरी करता हूं। अभी आप कितना भी अच्छाई करो या कितना भी करो, आप मुझे 1,000 रुपए से ज्यादा आप मुझे पगार नहीं दे सकते। अरे अभी ये लोग कैसे आके मुझे बताएंगे भाई अनुराग जी की क्षमता जो है वो आपको 5,000 रुपए पगार दे सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ आपको 1,000 रुपए दे रहे। तो आप एक काम करो, 5,000 रुपया मत मांगो, आप 3,000 रुपया मांगो जी। और ये कितनी भी कोशिश करे, मैं आपको आप मुझे 1,000 रुपए से ज्यादा दे नहीं सकते, फिर मैं नौकरी छोड़ के जाऊंगा। मैं आप ये लोग मुझे आके बोलेंगे देखिए मैंने आपके लिए इतनी कोशिश की, ये आपको देना नहीं चाहते। आपका एक आदमी गया, मुझे नौकरी नहीं मिली, लेकिन ये हीरो बनकर बैठ गए, बोले हम तो आपके साथ सहानुभूति की, मैंने आपकी मदद करने की कोशिश की, तो मैं क्या सोचूंगा? अरे ये लोगों ने मेरी मदद की लेकिन अनुराग जी मुझे सहायता देना नहीं चाहते। ये इस तरह लोगों को गुमराह करते, लोगों को उल्लू बनाते और वो देश चलाना चाहते हैं। ठीक है रागिनी। देखिए अनुराग जी, मैं अश्विनी जी की बात से जोड़कर दो तरह लोगों को गुमराह करते, लोगों को उल्लू बनाते और वो देश चलाना चाहते हैं। ठीक है रागिनी।
देखिए अनुराग जी, मैं अश्विनी जी की बात से जोड़कर दो बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहूंगी। उन्होंने उन्होंने ये बात स्पष्ट की कि किस तरह से राजनीति में जाति के नाम पर या एक खास तरीके के स्टीरियोटाइप या पहनावे के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर वोट मांगा जाता रहा है। और आम आदमी पार्टी के दो उम्मीदवार, नाम नहीं लूंगी क्योंकि नाम लेने से भी प्रचार होता है, वो भी अलग अलग क्षेत्र में यही काम कर रहे हैं। तो फिर से आपका ध्यान उसी बात पर आकर्षित करना चाहूंगी कि जब आम आदमी पार्टी का उदय हुआ तो इस बात से हुआ कि राजनीति की दशा और दिशा में सकारात्मक परिवर्तन आएगा, एक नया ढर्रा, एक नए ढांचे की शुरुआत होगी। वो हमें पूरी तरीके से विफल होता दिखाई दे रहा है। फिर मैं मदन जी की बात पे आती हूँ। मदन जी ने कहा कि हमारा कोई तथ्य नहीं होता, हमारी केवल सच्चाई होती है, और उसी की पराकाष्ठा आज हमने देखी। आम आदमी पार्टी ने जो मैनिफेस्टो अपने घोषणा पत्र के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की, गौरतलब है कि उसमें अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मीडिया पर हम सरकारी निगरानी रखेंगे अगर अगर हमारी सत्ता पे हम काबिज हो जाते हैं, अगर हमारी सरकार बनती है। तो आप ये भी सोचकर देखिए कि ये किस तरीके की पार्टी है। कोई तथ्य नहीं चाहती, कोई प्रामाणिकता नहीं चाहती, कानून व्यवस्था में इसका कोई लगाव नहीं है, लोकतंत्र के चार स्तंभ जिसमें कि मीडिया भी एक जिसका हिस्सा है, उन सबको सिरे से नकारती है। फिर याद दिलाऊंगी कि सोमनाथ भारती को जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई तो भी अरविंद केजरीवाल जी ने इसी तरीके की बात की थी जो मदन मिश्रा आज कह रहे हैं। उन्होंने यही कहा था कि सुप्रीम कोर्ट जो कहता है वो गलत है, हमारी सच्चाई हमारी है। जब शाजिया इल्मी 10 लाख रुपया हाथ से लेती हुई पकड़ी जाती है तब कोई सच्चाई नहीं होती। और दिल्ली की जनता को सिखा रहे थे कि भ्रष्टाचार रोकने के लिए स्टिंग ऑपरेशन करिए। तो मुझे लगता है कि ये दो मुही बातें हैं, ये विरोधाभास है। और दिल्ली की जनता, यहां तक कि देश की जनता भी ये समझ चुकी है कि अरविंद केजरीवाल जी के खाने के दांत और दिखाने के दांत अलग अलग हैं। पर एक बार मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ भी नजर डालना चाहूंगी। चलिए उस पर बाद में बात कर लेंगे रागिनी, उस पर बाद में बात कर लेंगे। मैं मदन मिश्रा से ही सीधे आपका सवाल पूछ रहा हूं। मैं आऊंगा, दोबारा आपके पास आऊंगा, इसी बहस में बात करेंगे। मदन मिश्रा, क्या यही वजह है कि जिस दिल्ली ने अरविंद केजरीवाल को सिर पर बिठाया था आपसे थोड़े दिन पहले, अब वही उन्हें काले झंडे दिखा रही है क्योंकि उसकी समझ में आ गया है? ये आरोप आपके बिल्कुल गलत है। अरे भाई साहब, ये मेरे आरोप नहीं है, मैं झंडे दिखाए गए उनको काले झंडे, विरोध किया है दिल्ली में। आपके ये आप कमाल कर रहे हैं मदन, ये बीजेपी कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता, मैं बता रहा हूँ सर आपको, बीजेपी कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता ऐसी हरकतें अक्सर करते हैं। अच्छा, हरकत? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी हरकतें करते हैं, ये इनका पेशा रहा है। अच्छा। अभी रागिनी मैडम जी बता रही थी हमारे बारे में। और आपका क्या पेशा है, मतलब हमारा आदमी पार्टी का क्या पेशा? हमारा पेशा सिर्फ, हमारा पेशा सर, हमारा पेशा सिर्फ ईमानदारी से चुनाव लड़ना है, जीत के आना है। अरे लेकिन देश की जनता को नहीं समझा पा रहे आप, जनता को नहीं समझा पा रहे। जनता जो जनता सब समझ रही है, वोट दे रही थी, आप जमीन पे आए सर, अब अप्रैल में जाने क्या होगा? या आप जमीन पे आके देखें जनता क्या कह रही है। जनता आम आदमी पार्टी के लिए तैयार बैठी है वोट करने के लिए। आम आदमी पार्टी है, उड़े तो अरविंद केजरीवाल है, चार्टेड प्लेन में। अरविंद केजरीवाल जी जमीन पे चल रहे हैं सर, यानी प्लेन में उड़े। कांग्रेस और बीजेपी वाले प्लेन में चलते हैं, इनकी आदत है प्लेन में चलने की, और ये भ्रष्टाचार करके बैठे हैं, आरोप लगाना इनका पेशा है। मदन तो बहुत इनोसेंट लड़का है, बड़ा सरकीन संवाद है और बेतुकी बहस है। मैं एक बात बताऊं, वास्तव में मदन ही नहीं, लाखों युवा अपनी इंजीनियरिंग, मेडिकल पढ़ाई, सीए, डॉक्टरी छोड़ के अभी भी भागे चले आ रहे हैं। मुझे बड़ी तकलीफ होती है कि मेरे को सच्चाई समझने में 8 साल लग गया। 2006 से शुरू किया तो 2012, 13, 14 तक जाके समझ में आई कि एक्चुअल में क्या कहानी है, कितना बड़ा देश प्रेम है, कितना बड़ा क्या है। 14 में तो मुझे लगता है आम जनता को जो बाहर से देख रही है, जब जब देश की बात होती है, ईमानदार पार्टी के साथ युवा आता है और आम आदमी पार्टी के साथ युवा है। अरे भाई 8 साल का नहीं, नहीं, वो तो आसाराम, आसाराम के, आसाराम जी के कम से कम 1 करोड़ फॉलोवर है, 1 करोड़ फॉलोवर आसाराम के। तो सर आप उस लिस्ट में, ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे फॉलोवर होते हैं। मदन आपको कितना समय हो गया आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए? मैं अन्ना जी के आंदोलन में मैंने वॉलंटियरिंग करी थी, उसके बाद से मैं आम आदमी पार्टी का मेंबर रहा हूं। और अश्विनी, आपको कितना समय हो गया? 2006 में हमने एनजीओ एक साथ शुरू किया था, पीसीआर, पब्लिक काज रिसर्च फाउंडेशन, उस समय संतोष कोहली हुआ करती थी। 2006 से ये जुड़े अरविंद केजरीवाल से, बिल्कुल मैं इनकी रिस्पेक्ट करता हूं, मैंने कभी इनके बारे में कोई गलत विचार नहीं। आप तो इनके तथ्यों को खारिज कर रहे हैं, जो ये गलत कहेंगे तो उसका जवाब देना बनता है। अच्छा ये सही क्या कहेंगे? अच्छा मैं तथ्यों के आधार पर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की रिपोर्ट मेरे साथ में है, इधर आप कैमरा क्लोज कराइए जरा। ये कबीर नाम का एनजीओ है, देखिए जरा, कबीर नाम का एनजीओ, ये कबीर एनजीओ है, ये मनीष सिसोदिया का एनजीओ है जी। 2007 में इसका रजिस्ट्रेशन होता है, 2007 में इसका रजिस्ट्रेशन होता है, और इसको पहली जो खेप मिलती है फोर्ड फाउंडेशन से 43,48,000 रुपए की 2005 में मिल जाती है, 32,60,000 रुपए की 2006 में मिल जाती है, और रजिस्ट्रेशन होता है 2007 में। सोचो
फोर्ड फाउंडेशन इतना मेहरबान कैसे है, अमेरिका विदेश के लोग इतने मेहरबान कैसे हो गए कि जो संस्था बनती नहीं उसको दो साल पहले से पैसा देना शुरू कर देते हैं। तो फोर्ड फाउंडेशन क्या मदन आप जानते हैं? नहीं इसको नहीं पता। सर मुझे जितनी जानकारी है मैं यही जानता हूं कि अश्विनी जी ऐसे आंकड़े अक्सर पेश कर सकते हैं। नहीं नहीं फोर्ड फाउंडेशन क्या है ऐसे आंकड़े ये खुद पेश कर सकते हैं जी। मेरे पास भी आपके आपको बताने के लिए कुछ है जी। मैं आता हूं कृष्ण आपके पास, अश्विनी जी के पास आंकड़े हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की रिपोर्ट है ये। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की रिपोर्ट को आप खारिज करेंगे मदन? जो कि दिल्ली हाई कोर्ट में जमा ये आंकड़े इन्होंने घर पे बैठ के नहीं बनाए। हाई कोर्ट में ये रिपोर्ट अश्विनी जी ला सकते हैं। अश्विनी जी का ये पेशा रहा है, ये ऐसे काम कर सकते हैं, ये इसी के लिए जाने जाते हैं। अच्छा जी बकवास करने मतलब आप तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गलत बोलना नहीं आता खारिज कर रहे सरकार ठीक है। हमें गलत बोलना नहीं आता। अच्छा जरा देखिए आपसे गलत बहस नहीं कर रहे। आपको सही नहीं पता या गलत बोलना नहीं आता, दोनों में आपको खुद फैसला करना कैमरा क्लोज कराइए। टाइम्स ऑफ इंडिया में जरा क्लोज करिए कैमरा। टाइम्स ऑफ इंडिया में 20 मार्च को एक रिपोर्ट निकली 11,500 करोड़ रुपए इस साल आया है जिसमें केवल 2% एनजीओ ने अपनी रिटर्न फाइल किया है। मैंने अरविंद को बोला कि जब इतना बड़ा भ्रष्टाचार एनजीओ कर तो रहे हैं आप पार्टी में थे ना पार्टी में जाओ पहले। हाँ पार्टी तो आपने उस टाइम क्यों नहीं बताया? नहीं पता मैं आपने उस टाइम जवाब क्यों नहीं दिया इस चीज को क्यों नहीं पूछा? सारी अंदर बातें करके मैं बाहर आया हूँ, जब अंदर बात सुनी नहीं की तब मैं आपने कुछ नहीं कहा सर। बोलो मत चुप रहो, बीच में टोकते नहीं है। चले संयमित रहे अश्विनी जी, आप भी संयमित रहे जी। मैंने बार बार कहा अरविंद जी को, मेल किया कम से कम 10, मेरे पास रिटर्न उसकी मेल की कॉपी है। मैंने कहा कि सारे भ्रष्टाचार की बात करते हो जो फॉरेन फंडिंग हो गई हो, मैं ये नहीं कहता हूं केवल आम आदमी पार्टी फॉरेन फंडिंग हो रही है, सबको हो रही होगी, मुझे तो नहीं पता किसको हो रही है। इसकी एक एसआईटी की मांग क्यों नहीं करते भाई? 2% लोग फाइल केवल रिटर्न फाइल करते हैं, 98% सारा विदेश से पैसा लेते हैं गायब कर देते हैं। और उसमें यह भी निकला हुआ है कि इसमें ज्यादातर पैसा आतंकवाद और नक्सलवाद को बढ़ाने के लिए जा रहा है जी। क्यों नहीं मांगते भाई? ये तो दोहरा चरित्र हो गया ना। भ्रष्टाचार तो भ्रष्टाचार है, वो चाहे भारत का काला धन हो या चाहे अमेरिका का काला धन हो चाहे वो अरब देशों का काला धन हो। अरब देश इतनी ज्यादा फंडिंग क्यों कर रहे हैं हमें भारत में? अमेरिका हमें इतनी फंडिंग क्यों कर रहा है? अपने घर अपना घर तो संभाल नहीं पाता, वो हमारे यहाँ की फंडिंग कर रहा है। आपको तो आज याद आई है सर इन चीजों की? तुम चुप रहो, तुम्हें ज्यादा फैक्ट नहीं पता। अरे सर आप चुप रहे, आप गलत बोलना बहुत अच्छी तरह जानते हैं, मैं जवाब दे सकता हूं आपको। आप हर बात को गलत बोलना के खारिज नहीं कर सकते, जबकि वो बता रहे कि उनकी अरविंद केजरीवाल से 1-to-1 बात हुई है। मैं ये तो पूछना चाहता हूं आपसे कि बात कहां थी इनके पास। पहले सुनो ये जरा, दोबारा कैमरा क्लोज कराइए। अनुराग जी जी कृष्ण आता हूं आपके पास। मैंने इलेक्शन कमीशन में 10 मार्च को एक रिटर्न फाइल किया, जरा नीचे स्टैंप दिखा दो भैया कैमरा करके, ये हाँ ये 10 मार्च की स्टैंप है। मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये बोला कि आप लोकसभा और विधानसभा का फॉर्म मॉडिफाई करिए, मॉडिफाई करके उसमें एक लाइन ये डाल दीजिए कि क्या आपको विदेशों से धन प्राप्त हुआ, यदि हाँ तो कितना प्राप्त हुआ। आप कम से कम फॉरेन फंडिंग को इस तरीके से कैप्चर तो करो जो लोग लोकसभा लड़ रहे हैं, क्योंकि इस बार बहुत लोग लड़ रहे हैं फॉरेन फंडेड लोग, बहुत सारे लोग इस समय लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कुछ काम नहीं किया, लेकिन मेरा तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कुछ करे न करे, मैं अरविंद से इतनी आशा करता हूं कि इसके बारे में एक एसआईटी की एक सीबीआई की मांग करेंगे, हो चाहे ना हो। चलिए अरविंद केजरीवाल से आपको अब भी उम्मीद और अब भी आशा है, ये एक बड़ी बात है। क्लाइड क्रिस्टो आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आप कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? राग जी मैं भी कुछ कहना चाह रहा हूं, आता हूं रागिनी से, मैं हाथ उठाकर बैठी जी। मैं आता हूं रागिनी जी के साथ सहमत हूं। हम यहां नाम नहीं लेंगे, आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं उनका नाम नहीं लेंगे, क्योंकि उनको पब्लिसिटी मिलता है। लेकिन नागपुर में इनकी एक जो उम्मीदवार है जो इलेक्शन लड़ रही है, उनके परिवार के लोग जो है उन्होंने, ये मेरे पास कॉपी है, लेटर की कॉपी है, उन्होंने ये लेटर लिखा है करजत के इरिगेशन डिपार्टमेंट को। वहां पर उन्होंने कुछ 30 एकड़ जमीन खरीदी है और वहां पर एक बांध बनने वाला डैम। और मैंने ये लेटर का एक दो या तीन लाइन ही आपको पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि आपको पता चले। सर वी हैव अ स्ट्रांग ऑब्जेक्शन टू दिस प्रपोजल एंड इट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस। व्हाट इज नॉट एक्सेप्टेबल मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनकी जो जमीन है वो जमीन के जो एरिया है वहां से ये डैम पास होता है। अभी उन्होंने क्या कहा है कि उसका ऑल्टरनेटिव दिया है उन्होंने, यू कैन हैव अ सर्वे ऑफ दिस प्लेस बियॉन्ड 700 मीटर्स, देर इज नो प्राइवेट लैंड, इट विल ओनली बी आदिवासी लैंड एंड वी आर श्योर दे विल बी एडिक्वेटली कंपेंसेटेड। मेरा यह कहने का तात्पर्य है कि इनकी एक और नेता है जो देश भर दुनिया भर में आदिवासियों के लिए कहते हैं, कितना करते हैं पता नहीं लेकिन कहते हैं कि संघर्ष करते हैं, आज उन्हीं आदिवासियों के जो जमीन है जो उनसे गरीब है, इनकी जो क्षमता है उनकी बहुत, मतलब आदिवासी बहुत गरीब लोग हैं वहां पर,
ये कहते हैं कि भाई उनकी जगह पर तुम ये बांध बांध लो, उनको वहां शिफ्ट कर दो, एडिक्वेट कंपेंसेट करो। तो आप दो चरित्र की बात कर रहे हैं, दो चरित्र के दो मुंह बात कर रहे हैं, या आदिवासियों की मदद करते हैं बताते हैं और वहीं बोलते हैं कि भाई ये लैंड वही डैम वहां शिफ्ट कर जी, दो जी। तो ये किस तरह का ये नीति है मदन? ये मदन ये बहुत गंभीर विषय है। क्या आप ये कहकर सिर्फ जवाब देना चाहेंगे कि क्लाइव झूठ बोल रहे हैं? लेटर या उन्हीं का लेटर जो है मुझे इसकी जानकारी बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो मैं अरविंद जी को खुद मेल करूंगा इस चीज के लिए कि वो इस चीज की जांच बिठाए। क्लाइड या अंजलि दमानिया का लेटर है? क्रेटो जी के बारे में मुझे पूरी जानकारी नहीं है जो बता रहे हैं। ये अंजलि दमानिया का लेटर है क्या? अश्विनी जी यही तो कह रहे हैं कि वो कई महीनों नहीं कई सालों तक किसका लैंड है कहते रहे कि यहाँ घोटाला हो रहा है, गड़बड़ हो रही है। नहीं नहीं, अगर कुछ गलत हो रहा है उसकी जांच होगी। इरिगेशन डिपार्टमेंट तो आपकी बात कहाँ से? चलिए चलिए चलिए, यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ। ब्रेक के बाद आएंगे रागनी आपके पास, आप क्या कहना चाहती है वो सुनेंगे। और साथ ही मदन जो सिवाय इसके कुछ नहीं बोल रहे कि यहां जितने लोग बोल रहे हैं अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ वो सिर्फ झूठ बोल रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे कि आखिर वजह क्या है, क्यों उनको अपने अलावा जो बोलता है वो झूठा लगता है। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं। तो क्यों केजरीवाल का ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है, इस पर चर्चा चल रही है। और हमारे साथ अब जेडीयू से राजीव रंजन साहब भी जुड़ गए हैं। रागनी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आप लगातार इस बहस को आगे बढ़ा रही हैं, सवाल आपने एक बहुत अहम उठाया कि आज अपने एजेंडे में, आज अपने मैनिफेस्टो में अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि अगर उनकी सरकार बनती है तो मीडिया पर सरकारी निगरानी होगी। क्या आप मानती हैं कि अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि मीडिया केवल वही खबरें दिखाए जो वो चाहते हैं, और आज मैनिफेस्टो में उन्होंने ये लाइन लिखकर इसको साबित भी कर दिया? अनुराग जी देखिए, ये बात अब जग जाहिर है कि न खाता न बही, जो अरविंद केजरीवाल कहें वो सही। तो अगर निष्पक्ष मीडिया की परिभाषा उनके लिए वो है कि ऐसी मीडिया जो उनके पक्ष की खबरें दिखाए वो निष्पक्ष है, जो यथार्थ को सामने रखे, जिसमें कि आम आदमी पार्टी की त्रुटियां उजागर हो, वो निष्पक्ष मीडिया हो ही नहीं सकती। और ये केवल मीडिया पर ही आरोप नहीं है, ये उन्होंने दिल्ली में पुलिस पर भी आरोप लगाया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर, कानून व्यवस्था पर आरोप लगाया, पॉलिटिकल पार्टीज पर तो वो बेतुके आरोप लगाते ही रहते हैं। तो ये उनकी कार्यशैली का अभिन्न अंग है। और हमें ये बात भी समझनी पड़ेगी कि अरविंद केजरीवाल खुद एक मीडिया क्रिएशन ही रहे हैं। अगर मीडिया की नजर अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी पर नहीं होती तो उनका वर्चस्व इतना बड़ा, उनका कद इतना बड़ा हो ही नहीं पाता। तो आप वो जहां कहीं देख रहे हैं कि मीडिया ने सच्चाई को भी उजागर करना शुरू किया है, उनकी कलई खुल रही है, पोल खुल रही है, तो जमीन उनके पैर से निकल रहे के से नीचे से खिसकती जा रही है। आशुतोष जी के गुप्ता अपना सरनेम इस्तेमाल करने की बात हुई, लेकिन यहां पर मैं ये भी साथ में जोड़ना चाहूंगी कि आशुतोष बकायदा एक मीडिया चैनल में रहते हुए आम आदमी पार्टी की तरफदारी करते रहे और फिर उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली। तो क्या हम ये माने कि अरविंद केजरीवाल ने भी अपने एजेंट मीडिया में लगा रखे थे? तो इसको भी, इस बात को भी देखते हुए हम ये जानना चाहते हैं कि ये खुद कितने निष्पक्ष लोग हैं, इनकी क्या नीति है और नीति के पीछे की नीयत क्या है, ये जानना आज बहुत जरूरी है। मदन, संक्षिप्त में इसका जवाब आपसे मैं लूंगा। रागनी, अपनी बात पूरी करें। जी, मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगी कि ये भी बहुत खतरनाक मुझे लगता है कि एक ढर्रा है, एक ढंग है कि आप हिट एंड रन की एक थ्योरी, एक पॉलिसी अपना रहे हैं। एक मुद्दा उठाते हैं, उससे आप मीडिया के जरिए कुछ सुर्खियों में आते हैं, फिर छोड़ के अगले मुद्दे पर चले जाते हैं। मैं अश्विनी जी को भी बधाई देना चाहती हूं कि उन्होंने प्रामाणिकता के आधार पर बहुत से तथ्य निकालकर बहुत से ऐसे सवाल आज सामने रखे जिनका जवाब ना मदन मिश्रा जी के पास है, ना अरविंद केजरीवाल जी के पास होगा। और वही रूप हम अब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी में भी देख रहे हैं। विजय गोयल को राज्यसभा दे दी गई। ठीक है, विजय गोयल पर फिर किसी दिन चर्चा करेंगे। राजीव रंजन हमारे साथ हैं। भाजपा भी, ठीक है रागनी जी, लौटूंगा आपके पास। राजीव रंजन जी, एक सबसे बड़ी और अहम वजह जो ये साबित करे कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल का ग्राफ इतनी तेजी से क्यों घट रहा है आपके मुताबिक? देखिए, आम आदमी पार्टी की जो कामयाबी थी वो कहीं ना कहीं जो पार्टियों के जो चेहरे से एक अलग हट करके, भीड़ से अलग हट करके लोगों की उम्मीदें थी कि आप पार्टी कुछ करके दिखाएगी, लेकिन आप पार्टी ने टिकटों के वितरण से लेकर जिस तरह से दिल्ली की सरकार
से खुद को अलग करके एक संदेश देने की कोशिश की, वो बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि बाकी पार्टियों की भेड़चाल से वो बिल्कुल अलग नहीं है। और जिस तरह से उन्होंने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के जरिए एक नकली सर्टिफिकेट हासिल कर लिया कि दिल्ली में भ्रष्टाचार उनके 49 दिनों के कार्यकाल में कम हो गया, फिर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने उसका खंडन कर दिया। दिल्ली के कई प्रतिबद्ध कार्यकर्ताओं के जगह बाहर से लोगों को लाकर के उन्होंने उम्मीदवार बनाया, ये काम सभी पार्टियां करती थी। लोगों का एक बड़ा समूह अरविंद केजरीवाल के पीछे इसलिए खड़ा हुआ था कि लोगों को उम्मीद थी कि ये भीड़ से अलग हटकर के कोई रास्ता तय करेंगे। अब तो उनको कम्पीट करना है जो कन्वेंशनल पॉलिटिक्स करने वाली जो पार्टीज हैं, जो उनके तौर तरीके हैं, उनके बीच उनको कम्पीट करना है। और निश्चित तौर पर इस भीड़ में अब वो खो जाएंगे, इसकी आशंकाएं बहुत ही प्रबल है। क्योंकि अब अगर जोड़ तोड़ और मुझे लगता है कि अगर मोल भाव की राजनीति करने वाली पार्टियों के साथ अगर उनका मुकाबला है, तो इस मुकाबले में अरविंद केजरीवाल जी का अनुभव बहुत ज्यादा नहीं है और उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लोकसभा चुनाव के बाद शायद वो चर्चा में नहीं रह पाएंगे। चर्चा में नहीं रह पाएंगे, यही डर तो राजीव रंजन उन्हें नहीं है कि वो गुल पनाह को टिकट देते हैं चंडीगढ़ से, इसके अलावा लखनऊ से वो जावेद जाफरी को टिकट देते हैं, जबकि इनका कोई न राजनीतिक बैकग्राउंड है न कोई समाज सेवा का इनका बैकग्राउंड है। नहीं, दो सिंबल उन्होंने और भी दिए, महात्मा गांधी के पौत्र राजमोहन गांधी और शास्त्री जी के पौत्र, जबकि इन दोनों का हमारा इतना लंबा आंदोलन चला 1.5-2 साल का, दोनों की कहीं खबर नहीं थी, दोनों पता नहीं भ्रष्टाचार के मामले में कहीं कभी एक भी बार नहीं आए कि हाँ रामलीला मैदान आए हो, कहीं धरने बैठे हो, अनशन बैठे हो, कभी इनका वो केवल चूंकि वो प्रभात रहे शास्त्री जी और गांधी जी के, इसलिए ठीक ये है। परिवारवाद नहीं तो और क्या है जी? जिसकी कोई भूमिका नहीं थी हमारे आंदोलन में, जिसका कोई सामाजिक कार्य नहीं है, जो कभी देखे नहीं गए, जो कभी देखे नहीं गए, उसको आप सिंबल के तरीके केवल राजनीतिक लाभ के लिए अपनी सुविधा के हिसाब से काम करते हैं जी। तो राजीव रंजन जी क्या ये मान लिया जाए कि अरविंद केजरीवाल को भी अब भरोसा हो गया है कि उनका ग्राफ गिर रहा है तेजी से? निश्चित तौर पर अगर वो नहीं मान रहे हैं तो उनको मान लेना चाहिए। नहीं, मान लिया होगा उन्होंने, तभी राजीव रंजन जी वाराणसी पहुंच के बाहर से उन्होंने लोगों को बुलाया, क्योंकि उन्हें यकीन था शायद कि वाराणसी की जनता उन्हें इस पक्ष में नहीं वोट करेगी कि वो मोदी नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़े हो वाराणसी से। निश्चित तौर पर उन्होंने ये जरूर मान लिया है कि इस राजनीतिक परिदृश्य में जो एक उन्होंने उम्मीद की समा बांधी थी लोगों के मन में, वो कहीं ना कहीं अब उनके चेहरे से नकाब उतर गया और लोगों को ये पता चल गया कि अरविंद केजरीवाल भी इसी भीड़ में शामिल नेताओं में से एक हैं। तो कहीं ना कहीं इसकी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी और इसीलिए उनके सिंबल पर कई आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग चुनाव लड़ रहे हैं, कई धन्ना सेठ चुनाव उनके सिंबल पर लड़ रहे हैं, कई ऐसे फिल्मी सितारे उनके सिंबल पर लड़ रहे हैं जो कभी जिनकी कोई प्रतिबद्धता नहीं थी वैचारिक सवालों पर। तो ये कमोबेश बाकी राजनीतिक दलों का अनुकरण कर रहे हैं, कई नक्सली लड़ रहे हैं, कई आतंकवादियों के समर्थक भी लड़ रहे हैं, कहने से जिसके सामने वो नहीं टिक पाएंगे और इस तरह से उनका भविष्य जो है वो एक तरह से सिलबंद दिखता है चुनाव के। जी रागनी जी, एक लाइन में अपनी बात कह दीजिए। अनुराग जी, हाँ, अरविंद केजरीवाल भी समझ रहे हैं कि उनका ग्राफ गिर रहा है, लोकप्रियता कम हो रही है, डिसिल्यूजनमेंट शुरू हो गई है। आप FM के एडवर्टाइजमेंट देखिए अरविंद केजरीवाल जी के, उसमें वो खुद बोल रहे हैं कि ये लोग मान रहे हैं कि हम लोग दिल्ली छोड़कर भाग गए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो आप वो जो सफाई दे रहे हैं दिल्ली की जनता को, उसमें कहीं ना कहीं ये बोध है कि उनसे गलती हुई है, उन्होंने राजनीति के दिल्ली के न सिर्फ प्रशासन को छोड़ा बल्कि मैदान को छोड़ा। और इससे एक बात और प्रमाणित होती है कि न सिर्फ दिल्ली में बल्कि देश में अगर स्थायी सरकार कोई दे सकता है तो वो कांग्रेस पार्टी है। जी मदन, एक लाइन का जवाब, क्योंकि इससे ज्यादा जवाब आपके पास होगा नहीं इसको सर। कभी भी जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई नेता ईमानदारी से अपना इलेक्शन लड़ता है उसके पीछे ऐसे ये हंस रहे हैं, यही भरोसा दिल्ली की जनता ने किया था, इसीलिए अरविंद केजरीवाल सीएम बने लेकिन वो भाग गए। आप तो दिल्ली में मदन मैं आपके कांग्रेस बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है इसलिए हमारा ग्राफ नहीं गिर रहा है। हमने जो पैमाना तय किया, ग्राफ नहीं गिर रहा, हमने जो पैमाना, आपका ग्राफ अपने कामों की वजह से गिर रहा मदन, ये बात आपको समझने की बहुत जरूरत है। जी चलिए, चलिए ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि मदन अगली बार जब बहस में आएंगे तो और परिपक्व होकर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हम करना चाहेंगे अपने सभी बाकी मेहमानों का बड़ी बहस में जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बहुत जल्द वापस लौटते हैं।